नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत करती हूं आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। सूरत के कोजवे सिंगणपोर रोड पर स्थित भाग्यलक्ष्मी सोसाइटी के निवासी जयाबेन विराज, जो कि पिछले एक महीने से अपने घर से लापता हो गए हैं। जयाबेन के परिवार वालों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि जयाबेन का अपहरण किया गया है। पिछले 42 दिनों से जयाबेन लापता हुए हैं और उस समय पर जयाबेन के परिजनों ने सूरत के चौक बाजार पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन सूरत के चौक बाजार पुलिस द्वारा इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं होने पर पीड़ित परिवार द्वारा सूरत के लोक समस्या निदान केंद्र के सहयोग से इस मुद्दे के बारे में गहराई से जांच पड़ताल की मांग को लेकर सूरत पुलिस कमिश्नर को आवेदन पत्र दिया गया और पीड़ित परिवार द्वारा इंसाफ की अपील की गई। मारू नाम मनीषा विराज है। मारा मम्मी नु नाम जयाबेन विराज है, जेमनू एक महीना थी प्रॉपरली 42 डेज थी अपहरण थयु छे। अने अमे चौक बाजार पुलिस स्टेशन में फरियाद नोंधावी छे, पण असंतोषकारक जवाब मळता अमे लोक समस्या निदान केन्द्रनी मदती अहीं पोलिस कमिश्नर साहेब ने अमे फरियाद नोंधावा आव्या छे, जेथी तेमने नम्र विनंती के अमारी समस्यानु जल्दी थी जल्दी उकाल लावे। मम्मीनो फोन आव्यो हतो, बे वार मम्मीनो फोन आव्यो हतो, जेमा रेकॉर्डिंग हतुं, जेमा साफ साफ खबर पड़े छे के मम्मीनुं अपहरण थयुं छे अने अपहरण करनार व्यक्ति विशाल चंडेल छे, जे हमणां हालमां अमदावाद स्थित छे। कैमरामैन अशफाक कुरैशी के साथ परवीन पठान, समाचार इंडिया न्यूज़, सूरत।